स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज की शाम की इस बड़ी सी खबर में। कहना चाहूंगा जो बैठक 24 तारीख को लखनऊ में लोहिया भवन में जो होने वाली थी, दरअसल वो बैठक को लेकर के ये पूरा वीडियो है और मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर क्या क्या हुआ है और आगे क्या होगा। दरअसल आप जानते हैं आंगनबाड़ी बहनों को 1500 प्रोत्साहन राशि जो एक साल पहले बढ़ाई गई थी वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। साथ ही बहनों का जो पैसा दो महीने का बहुत सी बहनों का जो कट गया था, उस चीज को लेकर के भी जो है यहां पर बातें कही जा रही हैं। तो कहना चाहेंगे उसके संबंध में 15 दिन का समय जो गिरीश कुमार पांडे जी हैं आपके, तो उन्होंने दिया था। अब माननीय गिरीश कुमार पांडे जी जो है इस बैठक को उन्होंने किया और वहीं पर उनकी उपस्थिति में यह बैठक कराई गई है। तो वहां पर उन्होंने क्या कहा है और साथ ही जो 15 दिन का जो समय दिया गया था यूनियन की तरफ से कि हम धरना करेंगे, धरने की डेट बढ़ा दी गई थी, 24 तारीख को मीटिंग कर दी गई थी। अब इसके बाद में धरना कब होगा, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और वहां पर क्या क्या हुआ और कितना हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वहीं पर सबसे पहले आप देख लीजिए, ये कुछ बहनें हैं हमारे, ये सभी यानी कि जिलों से बहनें गई थी, जितने भी उनके केंद्रीय यानी कि यहां के राज्य के पदाधिकारी हैं, एक तरह से यूनियन के सभी बहने अपने अपने जिला की जिला अध्यक्ष बहने वहां पर पहुंची हैं और बैठक को संपन्न वगैरह भी किया है। वहीं पर कहना चाहूंगा और बैठक की अध्यक्षता में जो मुख्य रूप से माननीय गिरीश कुमार पांडे जी थे, साथ ही जो नीलम पांडे जो महामंत्री बहन है वो भी थी। तो कहना चाहूंगा इन चीजों को आप देख रहे हैं, ये रहे आपके गिरीश कुमार पांडे जी बैठक को संबोधित करते हुए। वहीं पर आपसे कहना चाहूंगा यहां पर इस वीडियो को लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति भी उन्होंने अपने जारी की है और उस विज्ञप्ति में उनका क्या कहना है उसके संबंध में मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं। लेकिन बैठक में आप देख रहे हैं यहां पर आंगनबाड़ी बहने नहीं बुलाई गई थी, पदाधिकारी बुलाए गए थे, उनको लेकर जो मीटिंग करनी थी कि आगे की रणनीति दरअसल क्या बनाई जाएगी उसके संबंध में। तो ये रही वो खबर और ये रहा उनका वो लेटर। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, गिरीश कुमार पांडे जी अध्यक्ष है। लिखा है महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई है। अगले आंदोलन के कार्यक्रमों की घोषणा प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया है, यानी कि अब आगे धरना कब होगा, आंदोलन कब होगा, इन चीजों को लेकर के उस पर जो है फैसला लिया गया है और फैसला क्या लिया गया है वो अभी मैं पूरा लेटर आपको पहले पढ़कर के सुना दूं ताकि आपकी समझ में आए। लिखा है लखनऊ 24 नवंबर रविवार यानी कि आज के दिन महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों की एक बैठक लोहिया मजदूर भवन नरही लखनऊ में आज संपन्न हुई है, जिसमें प्रदेश के सभी केंद्रीय पदाधिकारी एवं सदस्य जो है वो जितने भी सदस्य हैं वो सभी के सब जो है अभी सम्मिलित हुए हैं, जिनकी तस्वीरें आपने अभी देखी है। कहना चाहूंगा बैठक की अध्यक्षता हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय सचिव एवं आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री गिरीश कुमार पांडे जी उन्होंने की है। संचालन प्रदेश की महामंत्री श्रीमती नीलम पांडे जी ने किया है और बैठक में संगठन संबंधित सभी समस्याओं पर विचार के साथ साथ आगामी 15 दिनों बाद होने वाली आंदोलन को पुनः दो महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। यानी कि पहले अभी बातें आ रही थी कि 15 तारीख तक, जो 15 नवंबर तक यूनियन ने समय दिया था कि अगर आंगनबाड़ी बहनों का पैसा जो पिछला बढ़ा है, जो यानी कि जो केंद्र सरकार यानी कि राज्य सरकार ने जो बढ़ाया था, मोदी सरकार ने प्रोत्साहन स्वरूप जो पैसे बढ़ाए थे वो दिए जाए 15 नवंबर तक, अगर नहीं दिए गए तो फिर हमारा आंदोलन के लिए हमारा यूनियन बाध्य हो जाएगा, ऐसा लेटर निकला था, ऐसी बातें आ रही थी। उसी चीज को लेकर के राम मंदिर का जो फैसला भी हाल फिलहाल में जो आया था नवंबर में ही, जिसके चलते बताया जा रहा था कि इधर उधर जो है सख्ती है, धारा 144 लगा दी गई है, तो धरना आंदोलन करना ठीक नहीं होगा, तो ऐसे में सरकार को बढ़ावा मिल जाता है आंगनबाड़ी बहनों पर अत्याचार करने के लिए, तो ऐसा कोई कदम खैर नहीं उठाया गया, बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद में डेट बढ़ाई गई कि 15 दिन का और समय बढ़ा दिया गया, यानी कि 15 नवंबर के बाद में 15 दिन और बढ़ाए गए, यानी कि 30 नवंबर बताया जा रहा था 15 दिन बाद धरना किया जाएगा, लेकिन 15 दिन बाद 30 नवंबर को अभी धरना नहीं है। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं लेटर में आगे क्या लिखा है, अब आगे आपको मैं पढ़कर के बता रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं अब यहां पर ये लिखा हुआ है, प्रदेश के सभी जनपदों में पिछले दिनों हुई आंदोलन में प्रतिभाग करने वाले गरीब व मजदूर आंगनबाड़ी के मानदेय जो वगैरह काट लिए गए थे, साथ ही बता रहे हैं सरकार के द्वारा जो मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी वह भी अभी तक आंगनबाड़ियों के खाते में जो है नहीं पहुंची है, साथ ही जिससे आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो काफ़ी समस्याओं का बेचारी बहनें हमारी सामना कर रही हैं, जिसको शासन स्तर पर उनकी जो अनदेखी की जा रही है, एक तो ये गलत है। बैठक में निर्णय इसके ऊपर ही लिया गया है और यदि पिछले दो महीने का कटा हुआ जो मानदेय है बता रहे हैं वह सरकार के द्वारा बढ़ाया गया मानदेय, दोनों मानदेय की बात कही जा रही है, कटे मानदेय की साथ ही बढ़ाए गए मानदेय की,
तो वो दोनों पैसा अगर उनका कहना है 2 महीने में नहीं आया है तो उनका यहाँ पर 2 महीने का जो पैसा है कटा हुआ अगर वो नहीं दिया जाता तो संगठन पुनः 2 महीने बाद जो है आंदोलन करने के लिए बैठक बुलाकर विचार करेगा। यानी कि अभी यहाँ पर ये कोई कंफर्म नहीं है कि 2 महीने बाद जो है बैठक यानी कि आपका आंदोलन ही हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ यही कहा जा रहा है कि यदि पिछले 2 महीने का कटा हुआ मानदेय व सरकार के द्वारा बढ़ाया गया मानदेय का पैसा नहीं मिला तो संगठन पुनः आपका जो है 2 महीने के बाद में जो है आंदोलन करने के लिए और बैठक बुलाकर विचार करेगा। यानी कि आंदोलन करने के लिए बैठक फिर बुलाई जाएगी डायरेक्ट तो यानी कि आंदोलन हो नहीं जाएगा। 2 महीने का समय बहुत लंबा होता है और समस्याओं को लेकर के सरकार क्या करती है, अभी 15 दिन का समय दिया गया, 15 दिन और मिल गए, अब 2 महीने यूनियन और दे रहा है समय, अब आगे क्या होगा, जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा। हमारा फर्ज है आपको सच्चाई दिखाना, जितनी सच्चाई है मैं उतनी दिखाता हूं। यहां पर आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कहना चाहूंगा साफ तौर पर कि अभी आपका 2 महीने तक धरना होने वाला भी नहीं है और 2 महीने के बाद में धरने को लेकर के पहले फिर से मीटिंग होगी इसी तरह की जो आज मीटिंग की गई है, उसके बाद में फिर क्या निर्णय लिया जाता है, ऐसा ना हो कि फिर से डेट बढ़ा दी जाए या क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए ऑल इंडिया पर आप देख रहे हैं सच्ची खबर। वहीं पर बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश जो कार्यकारी अध्यक्ष माया सिंह बहन भी थी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनंदा तिवारी हमारी बहन थी जिन्होंने हमें यह जानकारी भेजी है, राजेश शर्मा भाई भी थे, अमरेंद्र सिंह वगैरह थे, रेखा शुक्ला बहन थी, कल्पना सिंह बहन थी, मंजू शर्मा बहन थी और यहां पर डालचंद साहब नाम लिखा हुआ चौधरी भाई वो भी थे। आदि लोगों ने मुख्य रूप से जो अपने विचार वगैरह प्रस्तुत किए। बहुत अच्छी बात है कि सभी लोगों ने मिलकर के वहां पर बैठक भी की और अपने विचार भी वहां पर रखे, और क्या विचार रखे उनका वीडियो तो खैर नहीं आया लेकिन लेटर जो जारी किया गया प्रेस विज्ञप्ति के लिए मीडिया में वो हमारे तक पहुंचा दिया गया। तो कहना यह चाहेंगे कि बैठक को लेकर के ये जरूरी नहीं है कि हर बार आंदोलन हो और उस आंदोलन से ही जो है समस्याएं सुन ली जाएं। कहने का यह मतलब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि समय बढ़ रहा है, आंदोलन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ मीटिंग हो रही है, तो एक ये भी मानना है अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो एक बात सुन लीजिए कि पिछले जब धरने हुए तो आंगनबाड़ी बहनों का पैसा कटा। आप जानते हैं धरनों में क्या होता है, आंगनबाड़ी बहनों पर अत्याचार भी होते, कभी कभी लाठियां भी पड़ती हैं, सब कुछ होता है। तो मैं कभी ये सपोर्ट नहीं करता कि हमेशा आंदोलन हो आंदोलन हो। हमारा ये काम रहता कि पहले पहले जागरूक हों, पहले जब उनके अंदर समझ आएगी, अपने अधिकारों को पहचानेंगी, सिस्टम से लड़ पाएंगी, तभी जाकर के वो डरेंगी नहीं और सरकार भी समझ पाएगी कि अब इनके ऊपर हम अत्याचार नहीं कर सकते, अब ये जो मांगे कर रही हैं इनकी मांगनी चाहिए, अन्यथा हम पर ही दबाव बनेगा। अभी बहनों की हालत ये है कि यूनियन पे प्रयास करते हैं, बहुत सी बहनें धरनों में जाती भी नहीं है, कम बहनें जाती हैं जिसके चलते एकता नहीं मिल पाती है, बल नहीं उतना होता है, सरकार को वोट बैंक भी नहीं दिखाई देता। तो कुछ तो ये समस्या है, कुछ सरकारों की नीतियां होती हैं कि कैसे इनको बांट करके रखना है इधर उधर, कैसे इनको धरनों को तोड़ना है, कैसे धरनों में ना आए। उससे भी बढ़कर के हमारी जो राय यही है कि धरना ना हो, अगर प्यार से ही सब कुछ सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, धरनों में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, ना ही अच्छे काम के लिए। मैं सुझाव भी देता हूँ, मैंने देखा है हमारे झारखंड की बहनों को मेहनत करते हुए, कुछ बहनें वहां पर हमारी ऐसी भी थी जो बेचारी एक बच्चा अपने गोद में लेकर के पहुंची थी और एक बच्चा जो है पीठ पर बांध करके ले गई थी, लेकिन धरने में गई थी। वहां पर ये उनकी मेहनत है उनका कि वो उन्होंने जो इन चीजों को समझा और अपनी बहनों का साथ दिया। 80,000 मात्र बहनें हैं झारखंड में और वहां पर काफी संख्या जो है देखने को भी मिली। यूनियन भी सच्चाई से लेकर के आवाज उठा रहा था, शायद यही कारण कि बहनें भी वहां पर उनका ही पूरा सपोर्ट कर रही हैं। तो कहना यह चाहूंगा, लेकिन उसका नतीजा जो आपने देखा, कितने महीनों तक बहनों ने भूख हड़ताल वगैरह भी की, अनशन पर बैठी रहीं, तबीयत कितनों की खराब हुई, क्या क्या हुआ सब देखा, उसके बाद में लाठीचार्ज तक बहनों पर हुआ, चोटें भी आई, ये सब देखा आपने। हर एक हकीकत को हमने इसीलिए दिखाया, हर एक राज्य की बहनों को दिखाया और प्रयास भी किया ताकि आप देखें और समझें और उसके बाद में कुछ सीखें और जागरूक हों, क्योंकि धर्मों से हमेशा कुछ मिलता नहीं है। अगर बात बनती है सरकार को ऐसे लेटर निकाल कर के या यूं कहें कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करके अगर बात बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उससे भी बढ़कर के कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं जो जो है कोर्ट से फैसले आए या यूं कहें कि न्यायालय के आप दरवाज़ा खटखटाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहीं पर कहना चाहूँगा, बाकी मजबूरी बन जाती है हम लोगों की धरना करने की, क्योंकि बिना ऐसे सरकार वैसे भी नहीं सुनती है, तो एक समस्या आ जाती है, सरकार सुन नहीं रही है तो धरना करना मजबूरी हो जाती है, तो मजबूरी के चलते धरने होते हैं। तो यहाँ पर कहना चाहूँगा, समय खैर लंबा है 2 महीने का, लेकिन यहाँ पर मैं हमेशा धरने को सपोर्ट नहीं करता कि धरना हो और हमारी बहनें बेचारी घर से फिर भाग करके जाएं, वहाँ पर कुछ ना हो, फिर हमारी वो बहनें निराश होकर के आएँ। तो इससे अच्छा है सरकार दे उसके लिए कुछ अलग से भी जो प्रयास हों, जो आपकी क्या राय है, अपनी अपनी राय भी दिया करें, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कुछ सुझाव दिया करें जिससे अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ लगे। आप जानते हैं हर यूनियन के भाई बहन जुड़े हैं तो उनको भी शायद कुछ मदद मिल सके।
हमेशा जैसे धरने के को लेकर के बातें उठती रहती हैं कि धरना होगा तभी मानदेय बढ़ेगा, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों की एक समझ बन चुकी है, वो सोचती हैं धरना कब होगा, धरना होगा तो शायद मानदेय बढ़ जाएगा। धरने में जब दबाव होगा, जब आपकी एकता होगी, तभी मानदेय के बढ़ने के चांस हो सकते हैं, लेकिन बढ़ जाएगा ये जरूरी नहीं है, और कितना बढ़ेगा ये भी जरूरी नहीं है। इन सब चीज़ों को आपने देखा है, तो अब आपकी समझ क्या कहती है, सूझबूझ क्या कहती है धरने को लेकर के खासकर। बाकी तो मैं ये चाहता हूँ कि जो अन्य तरह के प्रयास हो सकते हैं, अन्य मार्ग हो सकते हैं सफलता की ओर बढ़ने के लिए, उन पर अपने सुझाव जरूर दिया करें कि अगर धरना ना हो तो फिर हम लोग क्या करें, किस तरह से आवाज़ को उठाया जाए और किस तरह से जो है बैठक की जाए, या किस तरह से यूं कहें कि नेताओं के पास में मिलकर के यूनियन जाएं, उनसे मुलाकात करें, इधर उधर से दबाव बनाएं कि सरकार जो निदेशालय स्तर से ये चीज़ें जो लापरवाहियां होती हैं मानदेय की, वो जल्द से जल्द पूरी की जा सके। क्योंकि आप जानते हैं अभी दिवाली पर भी आपकी जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा था, स्वाति सिंह ने, कि जो है दिवाली पर बहनों का ये इंसेंटिव वगैरह दे दिया जाए, सख्त आदेश थे, लेकिन क्या वो मिला, नहीं मिला। हम खबर दिखाते हैं उतनी जितनी आज है, कल को वो इतना था दीपावली के पहले कि जो पैसा बहनों को दिया जाए, हमने दिखाया कि पैसा बहनों का भुगतान किया जाए, जिसके ऊपर स्वाति सिंह ने ये कहा, लेकिन वो अभी तक नहीं मिला। अब ऐसे में बहुत से लोग जो नहीं समझते ये चीज़ें कि हमने पहले तो ये कहा आज हम ये कह रहे हैं, दरअसल वो उस टाइम पर सच था, आज ये सच है। मैं हमेशा कह देता हूँ जो आज है वो जरूरी नहीं वो कल हो, क्योंकि जो जिम्मेदारी निभानी है वो हमें नहीं निभानी है, वो वहाँ पर अधिकारियों को निभानी है, निदेशालय में बैठे हुए अधिकारियों को। तो ये बातें आपकी समझ में अगर आती हैं तो वही उसी को जो है भरोसा रहता है हम पर और हमारे ऑल इंडिया पर। बाकी तो बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो ये भी नहीं जान पाती हैं आप किस चैनल का वीडियो देख रही हैं, कौन बोल रहा है और वो सच है या झूठ है, इस तरह के बहुत सी बहनें हैं। थंबनेल पर लिखा देख लिया कि फैसला हो गया, इतना बढ़ गया, ये सब हो गया, ऐसे वीडियो को आराम से खोल करके देख लेती हैं, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। इनसे आप कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला, सिर्फ मानसिक तनाव मिलेगा, पीड़ा मिलेगी दिमागी तौर पर, और आप परेशान होंगी। और जो सच्ची खबरें आती हैं जो आपके काम की होंगी उन्हें भी आप नहीं देखेंगी ये सोच करके कि यूट्यूब पर तो सब फर्जी आता है। तो कहीं ना कहीं कमियां हमारी बहनों आप में भी हैं, इसी वजह से कहना चाहूँगा। और बाकी की जो हमारी बहनें जागरूक हैं, समझदार हैं, आप लोग कम से कम प्रयास करिए अपने बहनों को समझाने का कि वो सच्चाई के जो वीडियो आते हैं उनको देखें, उनको समझने का प्रयास करें। अगर वो वीडियो देख करके हमारी बातों को नहीं समझ पाती हैं डायरेक्ट, तो आप उनको अपने वहाँ की लैंग्वेज में समझाएं या आसानी से समझाएं जो उनकी समझ में आए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मानदेय जैसे मुद्दे हमेशा वीडियो नहीं आते कि मानदेय बढ़ गया, मानदेय बढ़ गया, और रोज़ रोज़ मानदेय बढ़ता फिर इन चीज़ों को लेकर के बहुत सी बहनें वीडियो ढूंढती रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, यूट्यूब पर तो तमाम फर्जी लोग पड़े हुए हैं, आपको झूठी खबरें दिखाते रहेंगे, पुराने वीडियो उठा लाएंगे और सब कुछ दिखाते चले जाएंगे, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो खास करके यूनियन का था आज की बैठक का, वो आपने देखा, और उम्मीद करता हूँ ये 2 महीने बाद में फिर से बैठक होगी आंदोलन की चर्चा को लेकर के, आप लोगों की क्या राय है कि जैसे हमारे यही यूनियन जो भी हो, क्योंकि मैं किसी एक यूनियन को लेकर के सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं किसी यूनियन का विरोध भी करता हूं, हमारा मेन उद्देश्य यही रहता कि सब मिलकर के काम करें तो उससे एकता बनेगी। और यहां पर जो सुझाव की अगर बात की जाए तो हर यूनियन की बहनें भी चाहती हैं, जैसे सुनंदा तिवारी बहन ही जिन्होंने हमें जानकारियां भेजी हैं, और उनकी भी यही राय होती है कि भाई आप भी कुछ अपनी राय दिया करें। तो मैं भी यही कहता हूं कि मैं अपनी राय देता हूं, आप लोग अपनी राय निकाल करके दें क्या करना चाहिए हम लोगों को आगे, जिससे हम लोगों को सफलता मिले। और ये धरनों में जो हमारी बहनों के साथ में अत्याचार होता है, जैसे लाठी चार्ज, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि मानदेय कभी काट लिया जाता है, कभी जो है इसके नाम पर नौकरियों को छीन लिया जाता है, नोटिस निकाल दिए जाते हैं कि धरने में बहनें नहीं जाएंगी, तो हम लोग कौन सा तरीका अपनाएं कि हमें सफलता आसानी से मिले। तो इस पर बहनों अपनी राय जरूर देना। उम्मीद करता हूं वीडियो भी पसंद आया होगा और अच्छे से आपकी समझ में भी आया होगा।